हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास प्लस वन नेक्स्ट यूनिट. दिस इज़ अ ऑसिलेशंस एंड वेव. आपने फिफ्थ यूनिट के अंदर बहुत सारे मोशंस को स्टडी किया है, ठीक है. इस यूनिट के अंदर आपको एक नए तरह का मोशन जो है उसको स्टडी करने के लिए मिलेगा, विच इज़ ऑसिलेटरी मोशन. तो देखते हैं इस यूनिट के अंदर क्या क्या है. लेट्स गेट स्टार्टेड. अ यूनिट नंबर 10th, ऑसिलेशंस एंड वेव. ओके, द नेम ऑफ यूनिट इज ऑसिलेशंस एंड वेव. तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे दिस इज मोशन से, कि मोशन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ठीक है. कुछ तो हमने ऑलरेडी पढ़े रखे हैं और कुछ आगे हम इस चैप्टर के अंदर न्यू वाले देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अ लीनियर मोशन. तो लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन, तो लीनियर नाम से ही क्लियर है. अगर एक सिंगल पार्टिकल किसी डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका मोशन हम बोलते हैं दिस इज़ अ लीनियर मोशन. एक पार्टिकल का सीधी डायरेक्शन के अंदर जाना, ठीक है. सेकंड हमने पढ़ा हुआ दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर, ठीक है. रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर क्या होता है? हमारे पास सिस्टम है. दिस इज अ सिस्टम. सिस्टम मतलब एक से ज़्यादा पार्टिकल है. सी हियर आर द फोर पार्टिकल्स. अगर ये पार्टिकल सीधी डायरेक्शन में चलते हैं, इफ दीज पार्टिकल्स आर गोइंग इन स्ट्रेट लाइन, देन वी से इट्स अ रेक्टिलिनियर मोशन. देन थर्ड वन इज अ सर्कुलर मोशन. सर्कुलर, ओके. सो व्हाट इज द सर्कुलर मोशन हियर? ओके, दिस इज अ फिक्स पॉइंट. इफ बॉडी रोटेट अराउंड दिस फिक्स पॉइंट, दिस मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन. यहाँ से बॉडी यहाँ पर आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ. सो बॉडी कीप्स ऑन रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट. दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन. ओके, आफ्टर दिस रोटेटरी मोशन. रोटेटरी, ओके, ये भी आपने पढ़ा हुआ है. रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन क्या होता है? देखिए, ये एक सर्कल है, ठीक है. ये इसका एक्सिस है. ये बॉडी इस एक्सिस के अराउंड यहाँ पर ऐसे घूम रही है, ठीक है. आगे नहीं बढ़ रही है पर यहीं पर घूम रही है. इस तरह के मोशन का बोलते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है. इसके ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ठीक है. बॉडी जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जा रही, यहीं पे खड़के ऐसे ऐसे घूम रही है. इसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन. ओके, इसके बाद आपने एक और पढ़ा दिस इज़ अ रोलिंग मोशन. फिफ्थ वन, दिस इज़ रोलिंग. रोलिंग मोशन के अंदर क्या आता है? रोलिंग मोशन. रोलिंग में क्या होता है कि बॉडी जैसे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से ये कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच जाएगी, फिर यहाँ से कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच जाएगी. मतलब इसके अंदर दो मोशन हो रहे हैं. देखिए, रोलिंग मोशन के अंदर एक तो ये सीधा डायरेक्शन में मूव कर रही है, दिस इज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन है इसके अंदर. ट्रांसलेटरी, ठीक है, ओके. दूसरा, इस बॉडी के अंदर ये रोटेट भी तो कर रही है ना ऐसे. दिस रोटेट, इस रोटेशन के बाद बॉडी यहाँ पर पहुँचेगी, फिर इस रोटेशन के बाद बॉडी यहाँ पर पहुँचेगी. तो रोटेशन भी हो रही है, मतलब ऐसे 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 चल रही है. तो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, जिसके अंदर ये दोनों मोशन हो, उस मोशन को हम बोलते हैं रोलिंग मोशन. यहाँ तक आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सारे पॉइंट्स. देखिए, नया मोशन है, दिस इज सिक्स टाइप ऑफ मोशन. दिस इज ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी, ठीक है. ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है? यहाँ पर देखिए, ये एक मेरे पास फिक्स पॉइंट है. इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉडी इधर को गई एक सेकेंड में, फिर नेक्स्ट एक सेकेंड में वो यहाँ से वापस यहाँ पर आई, फिर नेक्स्ट एक सेकेंड में यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, फिर नेक्स्ट एक सेकंड में यहाँ से यहाँ गई, फिर नेक्स्ट एक सेकंड में यहाँ से यहाँ गई. सो पहले ए से जाती है बी, फिर बी से आती है ए, फिर ए से सी, देन सी टू ए, देन ए टू बी, देन बी टू ए, देन ए टू सी. सो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? दिस इज टू एंड फ्रो मोशन. कौन सा मोशन है ये? टू एंड फ्रो मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट जो टू एंड फ्रो मोशन करता है, टू एंड फ्रो, आगे फिर पीछे, ठीक है, अप एंड डाउन. सो इस तरह का मोशन जो टू एंड फ्रो मोशन है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ओके, अभी इस ऑसिलेटरी मोशन के अंदर एक और इसी की टाइप आती है, दिस इज सिक्स बी. मतलब इसी का वो नेक्स्ट वर्जन होता है, दिस इज SHM. ये बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है. दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो सबसे पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी ही होता है. ये टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है. ये भी क्या है? टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन, ओके. तो इसमें फिर अलग क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस हेयर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर?
देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पेंडुलम है, सी हेयर इज द पेंडुलम, ओके। ये इस पेंडुलम की होती है मीन पोजीशन और ये वाली कौन सी होती है एक्सट्रीम पोजीशन, ओके। दिस इज एक्सट्रीम मीन और ये वाली भी कौन सी होगी एक्सट्रीम, ओके। तो ये हमारे पास पेंडुलम की पोजीशन है। किसी टाइम पे ये ऑब्जेक्ट इधर है, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर चला जाएगा। आपका जो ऑब्जेक्ट है लगातार टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेटरी है, डन। उसके बाद देखिए जैसे ही ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। पर ये जो पेंडुलम है ये बंधा हुआ है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आपकी इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। जब ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता है इसको एक उल्टा अपने आप फोर्स लगता है, उल्टा एक्सेलरेशन लगता है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। जब इस डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी तो इस डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन होगी। जब पेंडुलम वाला मोशन होता है, कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसकी जो एक्सेलरेशन है ऑलवेज रहती है मीन पोजीशन की तरफ। अगर डिस्प्लेसमेंट मीन से इधर हो रही है, राइट साइड जा रही है, तो एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड होगी। अगर वो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड करता है तो एक्सेलरेशन उसकी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, उल्टे डायरेक्शन में। सो कोई भी टू एंड फ्रो मोशन इन विच डिस्प्लेसमेंट या आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन, है ना, इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट जो आपकी एक्सेलरेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डिस्प्लेसमेंट इन ओपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ओके। सो वी कैन राइट जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं वाई से, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन बट इन ओपोजिट डायरेक्शन। तो ओपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ठीक है। सो बॉडी इन विच योर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन इन ओपोजिट डायरेक्शन, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेसमेंट, अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो इधर इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इसमें यहाँ पर जैसे कोई बंदा, कोई पर्सन है वो वॉक कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ वॉक कर रहा है, उसमें पीछे को तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ वॉक कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ वॉक कर रहा है, यहाँ से यहाँ, तो इसमें एक वॉक वाला सिस्टम है, ठीक है। बंदा कोई चल रहा है, पैदल चल रहा है, तो ये वाला मोशन जो है इसमें करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरह के जो करेक्टरिस्टिक्स इसमें मिस है तो ये सिर्फ ऑक्सीलेटरी मोशन है। बट सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के ओपोजिट एक्सेलरेशन देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन मिल गया। दूसरा, इसको और कौन कौन से वे से समझ सकते हैं, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन है, तो ये ऑसिलेटरी, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन विच कैन बी रिटन इन सिंपल मैथमेटिक्स इक्वेशन। इसको हम सिंपल मैथमेटिक्स इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। कोई भी ऑसिलेटरी मोशन जिसको मैथमेटिक्स इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो वाला मोशन भी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन 0 0। पहले साइन थीटा क्या होता है, 0, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर -1।
तो एंगल बढ़ता जा रहा है लगातार, एंगल मतलब 0, 30, 45, 90, एंगल लगातार बढ़ता जा रहा है। एंगल के बढ़ने से साइन के में क्या होता है, साइन में क्या होता है, पहले ये 0 था, 0 से 1 हुआ, 1 से फिर 0 हुआ, फिर -1 हुआ, ऐसे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो साइन थीटा कॉस थीटा ये भी क्या है, ये सारे मतलब क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जो एंगल तो जितना मर्जी बढ़ता जाए, एंगल का कोई चक्कर नहीं है, एंगल बढ़ रहा है, पर एंगल के बढ़ने से जो उसकी वैल्यू है वो रिपीट कर रही है आपस, ठीक है। अगर वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है टाइम के बढ़ने से, एंगल के बढ़ने से, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। साइन थीटा इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कॉस थीटा इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट टैन थीटा ऐसा नहीं है। टैन थीटा में क्या होता है, उसकी वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक चले जाती है। जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाते चले जाओगे, उसकी वैल्यू में पहले जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर इन्फिनिटी भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी चक्कर में दोबारा पर रिपीट नहीं करता अपनी वैल्यू। सो टैन थीटा इज़ नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम इसको समझ सकते हैं, डेली लाइफ की कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे देखिए आजकल जो टाइम चल रहा है ना, 2022 स्टार्ट हो चुका है, 2022 के बाद 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, चलते चले जाएंगे ना। तो टाइम तो लगातार बढ़ता चले जा रहा है। सो हेयर द फंक्शन इज टाइम, टाइम लगातार बढ़ते चला जा रहा है। टाइम के बढ़ने से क्या रिपीट हो रहा है, तो आंसर है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त दिसंबर तक ये रिपीट होती है, फिर से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर ये जनवरी फरवरी, मतलब हर साल में पूरे साल के एंड में फिर आपको जनवरी फरवरी देखने को मिलेगा, फिर साल के एंड में जनवरी, जनवरी टू दिसंबर, ये जो मंथ के नेम है ये रिपीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, जो मंथ्स है ना, ये मंथ आपका किसका फंक्शन है, तो नेम्स ऑफ मंथ्स आर द ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम बढ़ रहा है, साल बढ़ रहा है, पर जो मंथ है वो रिपीट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर मैं वीक की बात करूँ, संडे मंडे ट्यूसडे देन सैटरडे संडे, तो संडे टू संडे है ना, पहले संडे फिर सैटरडे फिर संडे सैटरडे, ये भी तो पूरे 7 के 7 दिन आपस में रिपीट करते हैं। देखिए तारीख भी क्या रहा है, जैसे आपके दिन बढ़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 तारीख बढ़ रही है ना, 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक तारीख लगातार बढ़ रही है, पर उसके अंदर 4 बार वैल्यू रिपीट हो चुकी है। 30 तक 4 बार हफ्ते आ जाते हैं ना, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे। तो तारीख बढ़ने से जो दिनों के नाम है वो आपस में बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, इस तरह का मोशन भी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने किस पॉइंट को पकड़ना है, आपने पकड़ना है कि कोई वैल्यू आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आपस में रिपीट कर रही है, तो वो वाला मोशन कौन सा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो ये होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद एक और मोशन है, दिस इज 7 टाइप ऑफ मोशन, दिस इज अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक, देखिए पीरियोडिक कौन सा होता है, मोशन विच रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी मोशन पीरियोडिक मोशन होगा, कब होगा, द मोशन विच रिपीट आफ्टर द मोशन विच रिपीट, विच रिपीट, रिपीट तो लिखना ही भूल गए भाई, द मोशन विच रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, बीच में सन है, सन के अराउंड जो अर्थ क्या है, मोशन रिपीट करती है, रिपीट करती है, रिपीट करती है। तो ये जो मोशन है, दिस इज अ पीरियोडिक मोशन। कोई भी प्लैनेट जो है अपना मोशन जो है सन के अराउंड रिपीट करता है, जैसे ये 365.4 डेज के अंदर अपना मोशन बार बार क्या करेगी, रिपीट करेगी, रिपीट करेगी। ये वाला मोशन कौन सा है, पीरियोडिक मोशन है। ओके, क्या हमारा ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, यहाँ से यहाँ गया एक सेकेंड, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, देखिए मतलब चलो ऐसे मान के चलते हैं, ए से स्टार्ट हुआ 0 सेकेंड से, पहले इधर जाता है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये होगा टोटल 1 सेकेंड। इसको 1 सेकेंड लगा ए में, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ आने में, फिर से ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर 1 सेकेंड, फिर ए से बी, बी से ए, ए से सी, फिर ए, फिर 1 सेकेंड। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये जो ऐसे ऐसे मोशन रिपीट कर रहा है, इसमें भी टाइम पीरियड सेम है, मतलब ए के पास ये हर एक एक सेकंड के बाद एक पे ऑब्जेक्ट जो है आपका वापस आता रहेगा। तो जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है ये सारे क्या है, पीरियोडिक मोशन है। सिमिलरली सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ स्टार्ट होता है, चलो तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इस बार, अगर यहाँ से मैं बात करूँ, यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा 1 सेकंड, फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा 1 सेकंड,
फिर यहाँ जाएगा एक सेकंड। तो इसका मतलब है जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है और ऑसिलेटरी मोशन है, ये क्या है, पीरियोडिक मोशन। फिर वी कैन राइट ऑल द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ये कौन सा है, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, ये सारे पीरियोडिक हैं, ठीक है। बट ऑल पीरियोडिक मोशन, जितने भी पीरियोडिक मोशन है, ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। अगर ऑसिलेटरी नहीं है तो सिंपल हार्मोनिक तो होंगे ही नहीं। यहाँ देखिए, ऑल द ऑसिलेटरी मोशन, जितने भी आपके ऑसिलेटरी मोशन होते हैं ना, ये पीरियोडिक होते ही होते हैं, ठीक है। ये आपको रिपीट करेंगे आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ये रिपीट करते रहेंगे। बट जितने भी पीरियोडिक मोशन है, ये ऑसिलेटरी नहीं है। यहाँ पर देखो अर्थ कैसे चल रही है, अर्थ तो इसी डायरेक्शन में चल रही है, यहाँ से यहाँ एक चक्कर हो गया, फिर ये यहाँ से ऐसे ही चलेगी, अपनी डायरेक्शन ही चेंज करेगी, ठीक है। मतलब एक ही दिशा के अंदर, एक ही दिशा में ऐसे बढ़ रही है बार बार। तो ये पीरियोडिक तो है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रिपीट तो कर रही है, ठीक है। बट ये जो मोशन है, ये टू एंड फ्रो नहीं है, ऐसा नहीं है कि अर्थ पहले ऐसे चलेगी फिर ऐसे चलेगी फिर ऐसे चलेगी फिर ऐसे, ऐसा नहीं है। सो दिस इज नॉट अ ऑसिलेटरी मोशन। तो दुनिया में जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है, दे आर पीरियोडिक, बट ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर नॉट सिंपल हार्मोनिक, जो जितने पीरियोडिक हैं या फिर ऑसिलेटरी होंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा मोशन के टाइप्स के बारे में। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को और आगे स्टडी करते हैं कि कैसे उसके नेक्स्ट टाइप्स हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसको हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए मेरे पास अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर साइन थीटा की बात करें, ठीक है, व्हाट इज साइन थीटा हियर, ओके। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों क्या है, दे आर सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के ही फंक्शन है। कैसे, यहाँ पर देखो, अगर मैं एक सर्कल की बात करता हूँ, सो सी हियर इज़ द सर्कुलर मोशन, सो फ्रॉम दिस पॉइंट हियर इज़ द सर्कुलर मोशन, ओके, हियर इज़ द सर्कुलर मोशन। यहाँ पर क्या है, टाइम कितना लगेगा आपका, ज़ीरो, ओके। तो यहाँ से चल के ये सर्कल पूरा एक चक्कर कवर करता है, इसको लगेगा टी से, ज़ीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम टाइम कितना लगा, टी, यहाँ तक इसका आधा चक्कर कितना हो जाएगा, आधे चक्कर के लिए कितना टाइम लगेगा, हाफ सर्कल के लिए टाइम लगेगा टी बाय टू। तो इन दोनों का हाफ, यहाँ पर कितना हो जाएगा टाइम, टी बाय फोर, और यहाँ पे टी बाय टू के बाद फिर इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा थ्री टी बाय फोर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो सर्कुलर मोशन के अंदर बॉडी आपने कैसे जो है रिपीट करती है, ओके। उसके बाद देखिए अगर एंगल की बात करें, मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, स्टार्टिंग में इसकी पोजीशन है, तो थीटा कितना बढ़ रहा है, एंगल इज़ ज़ीरो, ज़ीरो के बाद यहाँ तक, ये यहाँ से चला ऐसे यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से चलने के बाद यहाँ तक पहुँच गया, कितना एंगल कवर कर लिया, थीटा इज़ 90, 90 को अगर क्या लिख सकते हैं, पाई बाय टू, यहाँ से चलेगा यहाँ पर आएगा, ये हो गया 180, 180 के बाद ये हो गया 270, 3 पाई बाय टू, देन यहाँ पर फिर चल कर आएगा, पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा 2 पाई। तो ये होगा हमारा सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट ऐसे चलता है, यहाँ पे 0 डिग्री, देन 90, देन 180, देन 270, देन 360, ये हमारा एक सर्कुलर मोशन हो गया, ओके। अब इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लिखेंगे। देखो साइन थीटा जो है, इसकी जो वैल्यूज है, थीटा की वैल्यू है कैसे रिपीट करती हैं, देखिए अगर थीटा 0 है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा, इज द वैल्यू, ठीक है। अगर आपका थीटा 0 है, थीटा आपका का 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर ये क्या हो जाएगा 360, देन 450, देन 540, अप टू सोन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसके बाद इसमें 90 ऐड करते जाइए, 630, और ये 720, ये ऐसे इसको आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके साइन की इनपुट वैल्यूज हैं, ओके। ये आपका साइन थीटा हो गया, ओके। सो हेयर इज, वट इज साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो इज ज़ीरो, यहाँ पर साइन ज़ीरो की वैल्यू आपको ये पता होनी चाहिए, साइन ज़ीरो इज ज़ीरो, साइन 91, साइन 180, साइन 180 इज अगेन ज़ीरो, ओके, ये 180 ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे फिर 270, दिस इज माइनस वन,
ओके अगेन दिस इज़ ज़ीरो, तो यहाँ पर फिर 450 की बात करेंगे, 450 इज़ दिस इज़ 1 0 माइनस 1 एंड लास्ट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पर देखो हमने वैल्यूज को देखो 0, 90, 180, 270, 360, 450, मैं थीटा बढ़ाते चले जा रहा हूँ, ये लगातार बढ़ता चले जा रहा है। इसके बढ़ने से लगातार जो साइन की वैल्यू है 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, ये 0 से 0 में रिपीट कर रहा है, 0 से 0 ठीक है, फिर 0 से 0, फिर ऐसे 0, मतलब 0, 1, -1, 0, 1, -1, ये वैल्यूज लगातार खुद को रिपीट कर रही हैं, थीटा लगातार बढ़ता चले जा रहा है। तो ये क्या हुआ, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी तरह अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँगा, कॉस थीटा को भी इसी में अगर स्टडी करते हैं कंटिन्यू, तो कॉस की वैल्यूज भी क्या होगी, ठीक है, कॉस की वैल्यू को अगर हम स्टडी करते हैं, दिस इज़ 1 0 1 0 -1 अगेन 0 1 0 1 ठीक है। तो ये भी ऐसे चलेगा, कॉस 0 इज़ 0, कॉस 90 इज 1, कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 इज़ 1, कॉस 90 इज़ 0, 180 -1, 270 0, देन दिस इज अगेन 1 ठीक है, अगेन फिर 0, फिर ये -1, अगेन 0, ऐसे ये फिर ये 1, ऐसे ही लगातार रिपीट करता चले जाएगा। तो ये कॉस और साइन दोनों क्या है, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ टैन थीटा की, क्या टैन थीटा खुद को रिपीट करता है, तो आंसर है नहीं, टैन की वैल्यू 0 से ये इन्फिनिटी में पहुंच जाती है ठीक है, ये वैल्यू आपस में रिपीट नहीं करती। तो टैन थीटा इज़ नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये नहीं है, बट ये दोनों हैं। ओके अब इन दोनों की वेव डायग्राम बनाते हैं। अगर मैं बात करूँ पहले साइन थीटा की, साइन थीटा की वेव डायग्राम कैसे बनती है, सी हियर दिस इज़ द वेव डायग्राम ऑफ साइन थीटा। ओके यहाँ पर टाइम कितना है 0, और यहाँ पर कितना लगा उसको टी, हाफ में कितना टाइम लगेगा टी बाय टू। ओके तो 0 से लेकर टी बाय टू तक इन दोनों के बीच में टाइम कितना लगेगा टी बाय फोर, टी इसके बाद ये यहाँ पर टाइम कितना लगेगा 3t/4। देखिए इन दोनों को ना रिलेट करके स्टडी करना सीख लो, अगर इन दोनों को आपने रिलेट करके स्टडी करना सीख लिया तो नेक्स्ट जो है ना आपको जो मैं इसमें करेक्टरिस्टिक्स करवाऊंगा तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है। देखिए अगर सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वेव की फॉर्म में वो यहाँ पर होगा एंगल 0, जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के 90 एंगल बनाता है, दिस इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का इसको टाइम कितना लगा, दिस इज टी बाय फोर ठीक है। ओके उसके बाद टी बाय फोर पे एंगल कितना कवर करेगा, दिस इज पाई बाय टू, दिस इज पाई बाय टू। सिमिलरली जब यहाँ से चल के यहाँ आएगा तो कितना एंगल कवर कर लिया, दिस इज पाई, ये होगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ये 180। जब यहाँ पे 180 पे पहुँचा टाइम कितना लगा टी बाय टू, देन 180 से ये आ रहा है यहाँ पर, दिस इज 3t/4, 3t/4 पे 270 डिग्री, दिस इज 3π/2, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये होगा हमारा 2π। इसी को पेंडुलम में स्टडी करते हैं, सी हियर इज द पेंडुलम। ओके ये है 0, ये है पोजीशन नंबर 1, ये है पोजीशन नंबर 1 और यहाँ पर है दिस इज पोजीशन नंबर 1, यहाँ पर जाएगा 1 के बाद 2 ये हो गया, तो दिस इज योर पोजीशन नंबर 2, ये 90 पे यहाँ पर पहुँचेगा, ये 90 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज पोजीशन नंबर 2 90। इसके बाद ये फिर यहाँ पर आएगा, दिस इज पोजीशन नंबर 3, तो यहाँ पर ये दिस इज पोजीशन नंबर 3 और यहाँ पर ये पहुँच गया पोजीशन नंबर 3, मतलब इन तीनों को रिलेट करके समझो, अगर वो यहाँ पर पहुँचता है सर्कुलर मोशन में तो वेव में वो यहाँ पर पहुँचेगा और पेंडुलम में यहाँ पर दोबारा आएगा। 3 से बाद यहाँ पर चला जाएगा 4, दिस इज पोजीशन नंबर 4, जब वो फोर्थ पोजीशन पर जाता है तो फोर्थ पोजीशन यहाँ पर ये होगी इसकी फोर्थ पोजीशन और यहाँ से ये होगी इसकी फोर्थ पोजीशन और ये इसकी फोर्थ पोजीशन ठीक है। ओके इसके बाद फिर वापस आएगा, दिस इज़ अगेन फिफ्थ पोजीशन ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ के बाद दिस इज़ योर फिफ्थ पोजीशन और यहाँ से दिस इज़ योर फिफ्थ पोजीशन, तो ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया है कि सर्कुलर मोशन, वेव मोशन और पेंडुलम तीनों को आपस में स्टडी कैसे करेंगे। अगर मैं पूछूं कि 90 डिग्री पे पार्टिकल है तो 90 डिग्री पे मुझे बताओ इसमें पार्टिकल कहाँ है, तो आप बताएंगे यहाँ पर है 90 डिग्री में। अगर मैं पूछूंगा 90 डिग्री में यहाँ पार्टिकल कहाँ है, तो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। अगर मैं पूछूँ यहाँ पर 90 डिग्री में कहाँ है, तो यहाँ है। अब बात करते हैं 270 पे ऑब्जेक्ट किधर है, तो सर्कुलर मोशन में 270 पे ऑब्जेक्ट इधर है, दिस इज 3t/4 यहाँ पर। इसमें कहाँ है 270, 3t/4 यहाँ पर होगा। इसमें कहाँ है, कौन सी पोजीशन है फोर्थ, तो व्हाट इज़ फोर्थ पोजीशन, दिस इज़ द फोर्थ पोजीशन, तो यहाँ पर वो 270 थीटा पे है। तो इन तीनों को आपको रिलेट स्टडी करना आ गया, आगे का काम बहुत ईजी है ठीक है। तो ये हो गया।
अब ये सारे जो मोशन है, ये तीनों मोशन कौन से हैं? दीज आर द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन, ये तीनों ही हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक तो है ही है, ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। ये पेंडुलम इधर को जाता है, इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रही है, तो एक्सेलरेशन किधर को हो रही है? इधर को हो रही है, क्योंकि ये बॉल अपने आप को जब यहाँ पर जाएगी वापस आना पसंद करेगी, ठीक है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ओपोजिट होंगे, तो ये वापस आ जाएगी। जिस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो, वो मोशन कौन सा होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब मोशन सिंपल हार्मोनिक हो गया, तो ऑसिलेटरी के बारे में मत सोचो, वो ऑसिलेटरी है क्योंकि सिंपल हार्मोनिक के अंदर ही तो ऑसिलेटरी आ रहा है। अगर वो ऑसिलेटरी है तो टाइम पीरियड के बारे में मत सोचो, वो ऑलरेडी पीरियोडिक भी है, ठीक है। सो जब कोई मोशन सिंपल हार्मोनिक हो गया, वो ऑसिलेटरी भी है और वो पीरियोडिक भी है। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट, ओके, ग्राफ हो गया। अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाऊं तो बच्चों कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, सी दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। सो ये होगी आपकी पोजीशन नंबर 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ये पोजीशन होगी कॉस की, ठीक है। कॉस आपका 0 से स्टार्ट होता है, ये एक वाला ग्राफ कॉस के लिए और ये वाला ग्राफ साइन के लिए, दोनों ही सिंपल हार्मोनिक है। अच्छा, ये दोनों सिंपल हार्मोनिक हो गए, इन दोनों को हम मैथमेटिक्स में कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा फॉर दिस वन। वट इज ए हेयर? ये ए क्या है आपका? ए इज दिस वन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, दिस इज ए। यहाँ पर ए क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वाई इज इक्वल टू ए, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देखिए दोबारा से, यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाएगा, दिस इज योर ए, ए इज एम्पलीट्यूड, साइन का वेव है, दिस इज साइन। यहाँ पर ए क्या होगा? दिस इज मीन से लेके जब वो एक्सट्रीम में पहुँच जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए। यहाँ पर ए क्या होगा? ये जीरो है, जीरो से 90 डिग्री वो मैक्सिमम पोजीशन में पहुँच चुका है। सो ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज ए, तो ये वाला ए, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और साइन का फंक्शन लगेगा। इसमें कैसे लिख सकते हैं? वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, क्योंकि कॉस की वेव है, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक है। ओके, अब आपको मुझे बताना, मैं यहाँ पे एक मोशन ड्रॉ करूँगा, आपने बताना है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये मोशन है कुछ इस तरह का, फिर इस तरह का, ओके, फिर इस तरह का, फिर इस तरह का, फिर इस तरह का, फिर इस तरह, ओके ओके। ये देखिए, ये पहले क्या है, ये यहाँ से पहले मैक्सिमम होता है, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर यहाँ पर मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, अगेन मैक्स, अगेन मिनिमम। तो मोशन, अगर मैं ग्राफ को देखूँ, एक ग्राफ तो एक जैसा है, क्योंकि ये वाला इसको रिपीट कर रहा है, ये इसको रिपीट कर रहा है, ये इसको रिपीट कर रहा है, ये इसमें रेपिटेशन तो हो रही है। ये किस तरह का मोशन है? यहाँ से आदमी 5 स्टेप आगे चलता है, ये 5 स्टेप, यहाँ से देखिए, यहाँ से 5 स्टेप आगे चलता है, यहाँ से यहाँ पर पहुँचा 5 स्टेप आगे, 2 स्टेप पीछे आता है, फिर 2 स्टेप पीछे आता है, 2 स्टेप पीछे आने के बाद फिर 3 स्टेप आगे चलता है, फिर 3 स्टेप आगे जाएगा, उसके बाद फिर से वो पीछे आ जाएगा 0 पे, फिर से वो 0 पे आएगा। मतलब क्या है? पहले 5 स्टेप आगे, 1 2 3 4 5, देन 2 स्टेप बैक, 1 2, देन अगेन 3 स्टेप अगेन, ठीक है। तो ये वाला कर पूरा होगा, इसी के रिपीट में ये वाला कर, इसी के रिपीट में ये वाला कर। तो पहले 5 स्टेप आगे, 3 पीछे, 2 पीछे, फिर 3 आगे, फिर से यहाँ को 3 स्टेप आगे, 2 पीछे अगेन, मतलब ये सारा उसको रिपीट कर रहा है। ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है, क्यों है? क्योंकि ये वाली और ये वाली सेम है, दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ इज सेम, जो वेव्स की शेप है सेम है, हार्मोनिक है बट नॉट अ सिंपल। इसमें दो फ्रीक्वेंसीज आ गई, एक तो ये वाली फ्रीक्वेंसी और एक ये वाली फ्रीक्वेंसी, एक ये वाली फ्रीक्वेंसी और एक ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये कौन सा मोशन हुआ? तो ये होगा कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक। इसको हम लिख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट इज, इट इज अ कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक, ठीक है, ओके। इसको हम कैसे लिखेंगे? वी कैन राइट, इसके अगर वेव इक्वेशन के लिखेंगे, वी कैन राइट वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, दो वेव्स आ रही है इसमें, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी इसमें ओमेगा टी आ रही है और दूसरे वाली 2 ओमेगा टी, जिसमें दो दो फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल हार्मोनिक को, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये भी लिखा जा सकता है। देखिए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, दोनों में फ्रीक्वेंसी तो सेम है ना,
अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, एक ही फंक्शन है, तो ये सिंपल हार्मोनिक है। साइन और कॉस, साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस कॉस बी को हम मैथमेटिक्स इक्वेशन में तोड़ के एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता है, ठीक है। साइन और कॉस को अगर आपने उसको एक में कन्वर्ट कर दिया, साइन और कॉस को एक में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी यही रहेगी, तब भी ये कौन सा है, सिंपल हार्मोनिक। कॉम्प्लेक्स में क्या है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, यहाँ पे ओमेगा टी और यहाँ पे क्या है, 2 ओमेगा टी, सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक फंक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनिक फंक्शन, ओके, हार्मोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, कैसे इनको आगे स्टडी करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इसमें हम आगे यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है, दिस इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन भी लिख सकते हैं आप, या फिर वन वाइब्रेशन भी लिख सकते हैं। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन बोथ आर सेम, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस आया, तो ये एक चक्कर पूरा हो गया इसका। यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, एक चक्कर पूरा हो गया। इसको बोलेंगे, एक चक्कर को पूरा करने में जितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी लिख सकते हैं, या वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड, इन वन सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर। यहां से मैंने स्टार्ट किया, एक दो तीन, मान लो एक सेकेंड में इसने तीन ऑसिलेशंस कर दी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 3 हर्ट्ज़। देन फ्रीक्वेंसी इज 3 हर्ट्ज़, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अगर एक सेकंड में ये तीन राउंड कंप्लीट करता है, एक दो और ये तीन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे 3 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड में ऐसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये हो गया हमारा, ओके, एंगल फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्स। टाइम पीरियड को किस में कैलकुलेट करेंगे, इसकी एसआई यूनिट इज सेकेंड, ओके। आफ्टर दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, एंगुलर। देखिए, जब यहाँ से मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, ये यहाँ से चल के यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, तो ये इसने कुछ एंगल कवर किया, दिस एंगल थीटा, ओके। ये इसका रेडियस है, दिस इज़ द रेडियस आर, ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया आर, और ये क्या हो गया, इसने क्या कवर की, डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज थीटा, पहले इसको कवर करते हैं, व्हाट इज थीटा, थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ये होता है, यहाँ से आपकी बॉडी चल के यहाँ पर आ गई, इस पॉइंट से पी पॉइंट पर आ गई, इसने ये थीटा कवर किया, ये थीटा क्या है, दिस थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आपके वर्ड्स आगे यूज करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ओके। उसके बाद जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ये सर्कल जो है, एक सेकंड में कितने सर्कल पूरे करेगा, कितना एंगल बनाएगा एक सेकंड के अंदर, उसको हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 2π/T, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखिए, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, एक चक्कर का डिस्टेंस कितना है, दिस इज वन डिस, ये इसको मैं लिखेंगे, यहाँ से जब यहाँ पर ये पूरा चल के आता है, ये पूरा चक्कर कितने कवर करता है, दिस इज 2π, और इसको कितना टाइम लगेगा, दिस इज टी, तो 2π/T, एक चक्कर 2π का चक्कर टी टाइम में कवर करता है, तो इसको हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2π/1/T क्या हो जाएगा आपका एफ, सो दिस इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और क्या बोल सकते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी, ये भी ये सेम है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओके। तो इसमें मेजर करते हैं, ये जो थीटा है, थीटा की एसआई यूनिट क्या रहेगी, थीटा इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन, थीटा को रेडियन में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है,
कौन सी डिस्प्लेसमेंट एंगल की, यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई इसको हम रेडियन में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर थीटा, थीटा जो है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसकी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से थीटा क्या होगा, रेडियन, और टाइम क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से थीटा कैलकुलेट कीजिए, थीटा क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा इंटू टी। तो थीटा की वैल्यू आने वाले जो टॉपिक्स हैं हम क्या यूज़ करेंगे, ओमेगा इंटू टी, जो डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। सो दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द ऑसिलेशंस एंड वेव। तो हम वेव का पार्ट तो अगले बहुत देर में करेंगे, अभी तो टाइम लगेगा उसको, अभी हम सिर्फ ऑसिलेशन का पार्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो के बाद हम देखेंगे सेकंड वीडियो, जिसके अंदर हम आपको करवाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।